हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप सभी लोग ठीक होंगे। तो बैकग्राउंड वगैरह थोड़ा चेंज लग रहा होगा, प्लीज अपने थॉट कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बता देना। आज जो प्रोडक्ट को हम कवर करने जा रहे हैं वो एक काफी प्रीमियम सा जो है प्रोडक्ट है वो हमें मिल जाता है कॉफीजा की तरफ से। ये एक कॉफी मशीन है। इसके अगर मैं प्रोडक्ट नेम की बात करूं तो फेनेरो नेक्स्ट कॉफी मशीन जो है इसको बोला जाता है। प्लस इसके अलावा इसका मैंने मिल्क फ्रॉटर भी जो है मैंने मंगाया, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं स्पेशली इंडिया में जो ब्लैक कॉफी पीना पसंद इतना नहीं करते हैं, तो सारा सोल्यूशन है मेरे पास। तो आज की वीडियो में हम लेके चलते हैं सिर्फ और सिर्फ 700 लाइक का टारगेट। और चैनल पे नए हो, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो, तो गाइस सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन के बेल आइकन पे दबा दो, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव और डिटेल वीडियोस मैं लेकर आता रहता हूं। तो गाइस यहां पे अनबॉक्सिंग से शुरुआत करते हैं। तो बॉक्स के सामने आपको यहां पे कॉफी का ब्रांडिंग जो है देखने को मिल जाती है, प्लस यहां पे कॉफी मशीन का भी जो है इमेज आपको मिल जाता है। साइड में कुछ स्पेसिफिकेशंस वगैरह लिखी गई है जिसके बारे में आपको आगे जो है बताने वाला हूं। फटाफट से जो है अब अपने मशीन को बाहर निकाल लेते हैं। तो जैसे आप बॉक्स को ओपन करेंगे ना, यहां पे सबसे पहले आपको कॉफीजा की तरफ से इंस्ट्रक्शन मैनुअल कार्ड वगैरह मिल जाएंगे कि कैसे क्या आपको जो है इसको यूज करना है। यहां पे आपको पॉलिथिन में रैप्ड एक मैनुअल बुक भी मिल जाएगी, काफी डिटेल में जो है यहां पे सब कुछ दिया गया है। इसको भी जो है आप चाहे पढ़ सकते हैं। इसके अंदर एक और अच्छे से पैक्ड एक बॉक्स है, इसको बाहर निकालते हैं क्योंकि प्रोटेक्शन के लिए जो है ना ये जरूरी है। सो गाइस ये रही कॉफी मशीन, ग्रे कलर में जो है मैंने इसको परचेज किया है और भाई दिखने में बहुत ज्यादा प्रीमियम लग रही है। एक चीज मैंने सबसे पहले नोटिस की कि इसका जो साइज है ना ओवरऑल काफी कॉम्पैक्ट है, ऐसा बड़ा सा भारी सा नहीं है। तो अगर आप किचन वगैरह में अपने रखना चाहते हो या फिर कोई भी ऑफिस वगैरह में रखना चाहते हो ना, तो कॉम्पैक्ट जो है अच्छा साइज है इसका, अच्छे से जो है फिट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। अब अगर इसके ओवरऑल डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो ऊपर की तरफ एक आपको जो है कैप्सूल होल्डर भी मिला है। इसको जैसे आप ओपन करेंगे यहां पे होल जो है देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर जो डेडिकेटेड कैप्सूल्स दी गई हैं वो जाएंगी, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्या आपको डालना है। बट एक ओवरव्यू मैं आपको देता हूं, तो यहां पे आपको दो बटन्स मिल जाते हैं, उसी के अलावा पीछे साइड जो है वाटर टैंक मिल जाता है। यहां पे आपको वाटर वगैरह जो है फिल कर देना है आपकी कॉफी के लिए। उसके अलावा यहां पे आपको एक स्टैंड भी मिल जाता है और इस स्टैंड में जो है ना आपको होल्स देखने को मिल जाते हैं, तो अगर बाय चांस ड्रॉप वगैरह गिरती है ना कॉफी की तो वो एकदम फ्लोर या फिर आपके फर्नीचर वगैरह पे नहीं गिरेगा, इसके अंदर जाएगा, उसको आप बाद में चल के जो है क्लीन कर सकते हो। तो ये सारी चीजें भी इसमें ध्यान रखी गई हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज हमें देखने को मिलती है वो है स्टैंड के पीछे एक छोटा सा बॉक्स दिया गया है। वो एक्चुअली बॉक्स है कैप्सूल का। जब कैप्सूल जो है यूज हो जाएगी, जब वो खत्म हो जाएगा उसके अंदर की पूरी कॉफी, तो वो ऑटोमेटिकली अंदर जो है चली जाएगी जब आप नेक्स्ट कैप्सूल उसमें डालोगे। तो ये वेस्टेज के लिए जो है इसको यूज किया गया है। और एक इंटरेस्टिंग जो है इनिशिएटिव लिया गया है कॉफीजा की तरफ से, आपके कैप्सूल जब पूरे यूज हो जाते हैं तो कॉफीजा ने ऐसा बोला है कि भाई इसको आप कहीं फेंको मत, इसको जो है एक तरीके से प्लास्टिक मटेरियल है तो ये जो है एनवायरमेंट के लिए बेकार है। तो उन्होंने ये सजेशन दिया है कि वो आप हमें जो है वापस से भेज सकते हो, हम उसको रिसाइकिल कर देंगे। ये एक इनिशिएटिव जो है कॉफीजा का मुझे काफी सही लगा है। ये तो हो गई बात कॉफी मशीन की, लेकिन अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो है कॉफीज की। और आप देख सकते हो यहां पे मेरे पास जो है ना 6 अलग अलग टाइप के फ्लेवर्स जो है दिए गए हैं। और जब भी आप ये कॉफी मशीन को परचेस करोगे ना, तो ये 6 बॉक्सेस जो कॉफीज के हैं वो आपको बिल्कुल फ्री मिलने वाले हैं। हर एक बॉक्स में आपको जो है 10 कैप्सूल मिल जाएंगे। मैं फटाफट से आपको एक बार फ्लेवर बता देता हूं, जैसे कि एक है इथोपिया, दूसरा है डीकैफ, तीसरा है इंटेंसो, फोर्थ है क्रेमेसो, फिफ्थ है क्लासिको और लास्ट है फ्रॉट। ये सारे फ्लेवर्स आपको मिल जाते हैं, सारे के सारे इटालियन फ्लेवर में आपको मिलते हैं। और हर एक बॉक्स के अंदर जो है ना आपको 10 कैप्सूल मिलते हैं। अब फटाफट से जो है मैं आपको प्रोसेस बता देता हूं कैसे क्या आप कॉफी बना सकते हैं। बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। आपको सबसे पहले जो पीछे वाटर टैंक दिया गया है वहां पे आपको पूरा जो है वाटर फिल करना है ऊपर तक, और उसके बाद जो है इसका जो वायर है वो किसी भी बोर्ड में लगा देना है और ऑन कर देना है। सबसे पहली प्रोसेस ये होती है कि जो ऊपर में से दो बटन दिए गए ना, उन दोनों बटन में से आप कोई भी बटन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि सबसे पहली प्रोसेस है वाटर को गर्म करना। जैसे आप उसको दबाएंगे तो ये ब्लिंक होने लगेंगे। जब तक ये ब्लिंक होना नहीं रुकते हैं इसका मतलब ये कि आपका पानी जो है गर्म हो रहा है। जैसे ये ब्लिंक करना स्टॉप हो जाएंगे यानी कि पानी ऑलरेडी गर्म हो चुका है। उसके बाद आपको जो है अपना कप जो है स्टैंड दिया है उसके ऊपर रख देना है, जो भी आपका कॉफी मग है। उसके बाद ये जो आपको कैप्सूल होल्डर मिला है इसको आपको ओपन करना है, और उसके बाद जो शेप दिया गया है डेडिकेटेड जो है अलग से एक तरीके से कैप्सूल का ही शेप है, वहां पे आपको कोई भी फ्लेवर जो आपको चाहते हैं वो फ्लेवर डाल देना है। जैसे आप कैप्सूल अंदर डालेंगे आपको पुश कर देना है, और ये जो है फ्लेवर में अंदर की तरफ से अगर इंटरनल चीज बताऊं तो होल्स हो जाते हैं। उसके बाद यहां पे आपको दो जो है बटन दिए गए हैं, एक बटन है छोटे कप के लिए यानी स्मॉल कप के लिए, सेकंड है बिग कप के लिए। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी कॉफी पीना चाहते हो। मैंने जो है यूजली स्मॉल कप ही जो है एक तरीके से ट्राई किया है। उसके बाद जैसे आप बटन पे प्रेस करेंगे ना, तो मशीन ऑन हो जाएगी, अपना काम चालू
कर देगी और विद इन अ सेकेंड जो है ना आपकी कॉफी बाहर आने लगेगी। और एक चीज मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि भाई जो इसकी फ्रेग्रेंस है ना कॉफी की वो बहुत सही है। लाइक फर्स्ट टाइम जब मैंने जो है ना एक तरीके से ट्राई किया था ना तो पूरा रूम जो है ना कैफे में कन्वर्ट हो गया था। जब भी आप किसी भी कैफे में जाते हैं, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं स्टारबक्स जा रहे हैं या कैफे कॉफी डे जा रहे हैं या कोई भी अदर कैफे में जा रहे हैं ना, तो जो फ्रेग्रेंस वहां पे आपको मिलती है वैसी फ्रेग्रेंस जो है आपको आने लगती है। तो ये एक चीज मुझे काफी सही लगी है और कुछ सेकंड बाद ही जो है ना आपकी ब्लैक कॉफी तैयार हो जाएगी। अब इसके अगर मैं टेस्ट की बात करूं तो भाई जिनको ब्लैक कॉफी पसंद है ना उनके लिए तो ये बहुत कमाल का है। मैं भी पर्सनली ब्लैक कॉफी पीता था बट मैं नॉर्मली जो है ना गैस पे बना के ही जो है ब्लैक कॉफी को ट्राई करता था, लेकिन अब मेरे पास काफी सारे फ्लेवर हैं तो मेरे को और भी मजा आ रहा है। और भाई मुझे फ्रेग्रेंस प्लस टेस्ट जो है इसका काफी अच्छा लगा है। बहुत सारे ऐसे लोग भी है जिनको ब्लैक कॉफी जो है पीना पसंद नहीं है, तो उनके लिए भी जो एक सोल्यूशन है वो है इनका मिल्क फ्रॉटर। तो गाइस यहाँ पे जो है ना ये थोड़ा सा अलग टाइप से आपको दिखने वाला जो है मशीन लग रहा है ना, यहाँ पे आप मिल्क को जो है इसके अंदर डाल के फ्रॉट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको टोटल 4 मिल्क फ्रॉटिंग ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का मिल्क चाह रहे हैं अपनी कॉफी के लिए। लाइक जैसे इसमें आपको जो है कैपेचिनो ऑप्शन मिलता है, लाटे, हॉट चोको एंड कोल्ड मिल्क फ्रॉट ऑप्शन भी मिल जाता है। ऊपर की तरफ आपको एक तरीके से जग मिल जाएगा, जग के अंदर जो है ना आपको एक तरीके से एक स्प्रिंग टाइप की है या रोलर टाइप का है वो आपको लगा देना है और उसके बाद इस जग में आपको मिल्क डाल देना है। आप अपने हिसाब से जो है इसमें मिल्क डाल सकते हैं। मैं जनरली इसको हाफ जो है फिल कर देता हूं, उसके बाद इसको जो है आपको ऑन कर देना है नीचे जो बटन दिया है उसको प्रेस करके। जैसे आप करेंगे ना तो एक तरीके से जो भी मिक्सर टाइप का होता है ना उस तरीके से घूमने लगता है और ये कुछ टाइम बाद ही जो है हीट हो जाता है और एक तरीके से जो फॉर्म होता है ना एक अच्छा सा फॉर्म वो बना के दे देता है। फिर उस मिल्क को जो है ना जो आपकी डीकैफ बनी है यानी कि जो ब्लैक कॉफी बनी है उसके ऊपर आप डाल सकते हो। इसमें जो फॉर्म वगैरह है उसको आप अलग से जो है ऊपर से डाल के डिजाइन वगैरह अगर आप क्रिएट करना चाहते हो, फुल ऑन बिल्कुल कैफे स्टाइल में बनाना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। तो गाइस कई सारे लोग हैं जिनको ब्लैक कॉफी नहीं पसंद आती, उनको कड़वी लगती है, तो यहाँ पे आप जो है इस फ्रॉटर को यूज कर सकते हो। आप शुगर वगैरह जो है बाद में भी एड ऑन कर सकते हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस फ्रॉटर को यूज करके आप जो है बेसिकली हॉट चॉकलेट बना सकते हो या फिर कोल्ड कॉफी बना सकते हो। यहाँ पे अलग अलग फ्लेवर्स आपको मिलते हैं, उस हिसाब से जो है मिल्क को ये फ्रॉट करता है। अब प्राइस की बात कर लेते हैं, तो अगर मैं कॉफी मशीन की बात करूं, सिर्फ और सिर्फ कॉफी मशीन अगर आप चाहते हैं तो इसका प्राइस है 13,364 समथिंग। प्राइस जो है सेल में ऊपर नीचे होता है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा मैं फ्रॉटर की बात करूं तो इसका भी मैं आपको प्राइस बता देता हूं, तो इसका एग्जैक्ट प्राइस है 4,949। इसको आप परचेस कर सकते हो अगर आप मिल्क वाली जो है एक तरीके से कॉफी चाहते हो। तो गाइस यहां पे ओवरऑल अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं ना तो मुझे काफी वर्थ लगा है। ऐसे लोग जो कॉफी लवर हैं जिनको ब्लैक कॉफी जो है पीना काफी अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा स्पेंड करते हैं बाहर जा जाके अपनी कॉफी जो है खरीदते हैं कैफेज में जाके 250-300 रुपए की, मैं सबसे अच्छा ऑप्शन बोलूंगा कि भाई इसको परचेस कर लो, वन टाइम परचेज है, लेकिन उसके बाद आपको अलग अलग टाइप के फ्लेवर जो मेरे पास यहाँ रखे हुए हैं उनको आप जो है एंजॉय कर सकते हो। तो गाइज इसकी बेस्ट बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाना और चैनल पर नए हो, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेटिव और थोड़ी यूनिक और हट के वीडियो जो है मैं लेकर आता रहता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पीस।